बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा जो सब्जेक्ट है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है CS 403। इसके ग्रैंड क्विज लेक्चर नंबर 1 से 22 के अंदर हम आज आपको MCQs जो करंट MCQs आए हैं करंट क्विज के अंदर उनको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पहले वाली वीडियो भी पसंद आई होगी जो कि वकार सिद्धू के वॉल्यूम के ऊपर हमने उसको अपडेट किया था क्विज को लोड होने से पहले। तो आपसे MCQs की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो आपको मिलें, और अपने कमेंट्स और लाइक वीडियो को लाजमी किया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो की आपको कितनी समझ आ रही है और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो कितने क्लियर हो रहे हैं। पहले की तरह मैं आपको फिर बताता चलूँ कि हमारे जितने भी MCQs करंट क्विज के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे बुक के अंदर से आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक को कम से कम क्विज को करने से पहले जो है वो लाजमी रीड आउट कर लिया करें ताकि आपको MCQs को हल करने में आसानी मिले। तो चलते हैं हम अपने पहले MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQs है हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज अंडर इंटरफेस रूल रिफ्लेक्सिविटी और कॉल्ड डैश डिपेंडेंसी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो आर्गुमेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल मॉडल्स दी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 4 है एंटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डेटाबेस इज ए कैप्चराइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्लोज ऑफ डैश एंड स्टोरेज ऑफ। तो इसमें इंफॉर्मेशन और सेकंड में डाटा आएगा, 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनी डैश। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डाटा मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ चेक्स कॉन्स्ट्रेंट। तो इसमें लिमिट द वैल्यू दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए कॉलम फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन इज ड्रॉड थ्रू। तो ये ERD मॉडल जो होता है इसका ठीक ऑप्शन है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ डाटा सिक्योरिटी कैन बी अश्योर्ड इन दी डेटाबेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो थ्रू कंकरेंट एक्सेस ऑफ यूजर है, सेकंड वाली ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश द डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन आर एटॉमिक दैट इज दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन ड्रॉन फर्दर। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो ठीक है ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Which of the following tool is used to design the conceptual database design? तो इसमें जो 4 ऑप्शन है the model is independent of any tool. 4 ऑप्शन ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है the dash is the first comprehensive complete database design. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लॉजिक डेटाबेस डिज़ाइन फर्स्ट ऑप्शन हमारी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाइड ऑन। तो इसमें वाई एक्सिस जो है वो वैसे अगर बुक के ऊपर इसको फाइंड करें इस क्वेश्चन को तो ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की ऑप्शन नजर आएगी, लेकिन इसमें जो वाई एक्सिस है वो जो है वो मैट्रिक्स एट्रीब्यूट का स्पेसिफाइड होता है, करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वाली। तो इन डैश ज्वाइन कॉमन एट्रीब्यूट अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट विद सेलेक्टेड रो। तो इसमें इक्वी ज्वाइन जो है 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ द डाटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच द डेटाबेस इज क्रिएटेड इज कॉल्ड द डैश ऑफ द डेटाबेस। तो इसमें एक्सटेंशन फर्स्ट ऑप्शन ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी RDM इज सिंपल देयर इज जस्ट वन स्ट्रक्चर एंड दैट इज डैश। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए रिलेशन और ए टेबल, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू डाटा फ्लो डायग्राम। तो DFDs प्रोवाइड यू अस ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग
डिजाइन पॉइंट्स थर्ड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टेली प्रोसेसिंग इज ए सब टाइप ऑफ द मल्टी यूजर डेटाबेस होती है जी, सेकंड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन एन ईआरडी द फोकस इज ऑन द डैश एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंटिटीज, ठीक ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज द डैश मॉडल, तो ईआर जो है वो ठीक ऑप्शन है सेकंड वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन डैश ज्वाइन ओनली सिलेक्टेड रोज ऑफ ए रिलेशन आर मेड क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकंड रिलेशन, तो थीटा जो है वो ठीक ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन, तो इसमें जो आर्गुमेंटेशन का जो है थ्योरम वो बिल्कुल ठीक है थर्ड ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटिटी, तो एम्प्लॉयज जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें डाटा सिक्योरिटी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए रिलेशन इज सेड टू बी इन बी सी एन एफ वेन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन, इट हैज नो कॉम्पोजिट की, इसमें कोई कॉम्पोजिट की नहीं होती, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री लेवल आर्किटेक्चर इज यूजफुल द हाइडिंग द डिटेल ऑफ इंटरनल सिस्टम, इसमें थोड़ा सा बहाम है, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसको आपको सर्च करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन जो थे वो हमने आपको दिखाए हैं एमसीक्यूज, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा होगा। और मज़ीद हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारे तमाम नोटिफिकेशंस मिलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।